हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सएडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। हम फिर से आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है कंटिन्यूटी इक्वेशन। मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ कि क्या होता है। डेल यू आर डॉट आर बाई डेल आर प्लस डेल यू थीटा बाई डेल थीटा प्लस डेल यू जेड बाई डेल जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अभी मान लीजिए कि एक पाइप है। ठीक है, पाइप का एक कटा हुआ हिस्सा है बीच में से, उसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक सेकेंड, आई एम ड्राइंग। ये है, मान लीजिए पाइप का एक जगह का हिस्सा और ये हो गया हमारा पाइप। दिस साइड विल बी दिस। ओके, तो बीच में से एक्सिस खींच देते हैं और क्या। बीच में से जब हम एक्सिस खींचेंगे तो, सॉरी ये बहुत मोटा हो गया लाइन। ठीक है, अभी मान लीजिए कि दो पॉइंट है यहाँ पे। एक है हमारा ए एक है हमारा ए और एक है हमारा बी। ठीक है, अभी जाहिर सी बात है कि इन दोनों के बीच में एक यू थीटा ए होगा और इस पॉइंट के लिए यू थीटा बी होगा। ठीक, ये दो चीजें सेम है क्या? ए पॉइंट के लिए जो है बी पॉइंट के लिए वो है? कभी भी नहीं। एंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज होगा ही होगा इन ए फ्लो। ठीक, इनका रेडियल डिस्टेंस सेम है क्या? कभी भी नहीं। इनका जेड डायरेक्शन क्या है? जेड डायरेक्शन हम लेंगे ही नहीं इस चीज के लिए, इस तरह की फ्लो के लिए, या फिर इस तरह की, मतलब सिर्फ इस प्लेन पे जब बात हो रही है तब। एंड जेड प्लेन का बात कब होगा? जब हमारा प्लेन होगा इस तरीके का। ठीक है, तो ये बात हम कर ही नहीं रहे, इसका कोई टॉपिक ही नहीं है। फॉर क्या है? 2D फ्लो डेल यू जेड बाई डेल जेड है जीरो। ठीक, हो गया 2D फ्लो का कॉन्सेप्ट क्लियर। अभी आते हैं हम किस चीज में, एक्सी सिमेट्रिक फ्लो। एक्सी सिमेट्रिक फ्लो क्या होगा, इक्वेशन क्या होगा? वो 2D फ्लो का इक्वेशन था। ओके, याद रखना। मान लीजिए हमने दो एक्सिस ड्रॉ कर ली, बीच में एक पॉइंट डाल दिया। ठीक है, और फ्लूइड कैसे फ्लो करेगा? अंदर, मतलब स्क्रीन के अंदर या फिर स्क्रीन से बाहर, ऐसे मान के चलिए ऐसे फ्लूइड फ्लो करेगा। ठीक है, अभी इस पॉइंट से या फिर ओरिजिन से
सभी डिस्टेंस पकड़, कोई ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, इस तरह का डिस्टेंस, फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट में सभी डिस्टेंस है, ठीक है। अभी मान लेते हैं कि ये जो सारे बिंदु है, सारे पॉइंट्स है, ये सेम डिस्टेंस पे है फ्रॉम दी ओरिजिन, कुछ इस तरह का बनेगा। सेम सेम डिस्टेंस पे है सारे पॉइंट्स, तो हम इस चीज को एक सर्कल नहीं बना सकते? जरूर बना सकते हैं, तो बना दीजिए एक सर्कल। सर्कल परफेक्टली नहीं हुआ, बट इमेजिन कीजिए कि है सर्कल, सारे पॉइंट्स का सेम डिस्टेंस, रेडियस ऑब्वियसली। देखिए, तो सारे कॉन्स्टेंट डिस्टेंस पे पॉइंट वेलोसिटी जो हो रहा है वो रहेगा सेम, ठीक है। अभी इस पर्टिकुलर इस चीज के लिए, इस फ्लो के लिए हमारा यू थीटा किस डायरेक्शन में होगा? ये सर्कल के डायरेक्शन में होगा ना। थोड़ा सोचिए, जो हमने सिलेंडर का डायग्राम बनाया था उसमें थीटा कहाँ पे था, ठीक है, किस पोजीशन पे था, कैसे हम पकड़ते थे उसकी डायरेक्शन, उसकी वेलोसिटी कंपोनेंट को, ठीक है। तो फॉर दिस केस एंड दिस रिप्रेजेंटेशन यू थीटा विल बी कॉन्स्टेंट, सेम होगा हर एक पॉइंट के लिए। यू आर और यू जेड सेम होगा? कभी भी नहीं। अगर फ्लो स्क्रीन से बाहर आ रहा है और स्क्रीन के अंदर जा रहा है, तो आप खुद ही सोचिए यू आर और यू जेड क्यों नहीं सेम होगा, ठीक है। तो फिर यू थीटा अगर कॉन्स्टेंट है तो ये क्या होगा? जीरो, ठीक। तो फिर इसका इक्वेशन, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या आएगा, जो हमने पोलर कोऑर्डिनेट से लिखा था, ये वाला अगर जीरो हो जाए आखिर में, तो लास्ट दो जो बचेंगे वो आएंगे हमारे डेल आर या फिर लिखिए डेल यू आर इंटू आर बाई डेल आर प्लस डेल यू जेड बाई जेड, सॉरी डेल जेड। 2D फ्लो में क्या हुआ था? ये जीरो था। एक्सीसिमेट्रिक फ्लो में क्या हो रहा है? ये जीरो है, ठीक है। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा याद रखने का कोशिश कीजिए, या फिर वीडियो को रिपीट में देखिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट जनरेट कीजिए, ठीक है, आपको खुद ही याद रखने लगेगा, ठीक। अभी हम कॉन्सेप्ट में आते हैं सोर्स फ्लो और सिंक फ्लो में, ठीक है, क्या होता है। घर का सिंक तो देखा ही होगा आपने, तो थोड़ा हम ना घर का सिंक ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं। चलिए, तो ए ए ये हमारा हो गया सिंक का वो बेसिन, और ये पाइप, क्या होता है, पानी इधर से सीधे नल से टपकता है, कहीं से भी आता है, गिर के इधर से आके इस पॉइंट में जाता है ना, इस तरह का मोशन होता है ना, एक ही पॉइंट में। इस तरह के फ्लो को बोलते हैं हम लोग सिंक फ्लो। एक पॉइंट है, सारे पॉइंट के अंदर जा रहे हैं या फिर पॉइंट के टुवर्ड्स, ठीक। और सोर्स फ्लो, इसको पूछिए, अब तक आपको कॉमन सेंस से पता भी चल गया होगा क्या है सोर्स फ्लो, फिर से इसको ड्रॉ कीजिए। ए
ये पॉइंट है और ये रह गया हमारा इधर इधर कहीं भी जाएगा एक पॉइंट के अवे जाएगा, ये टुवर्ड्स द पॉइंट, ये अवे फ्रॉम द पॉइंट, फ्लूइड मोशन। इस चीज को बोलते हैं सोर्स फ्लो। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर। ये दो, दीज टू आर इन रेडियल डायरेक्शन। ठीक है, मतलब सिर्फ आर का इक्वेशन आएगा तो यू थीटा और यू जेड क्या हो जाएगा, जीरो। पोलर कोऑर्डिनेट हमेशा याद रखना होगा आपको। ठीक है, तो ठीक है, यही था हमारा छोटा सा वीडियो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने का था। कोई खास कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, ठीक है, एकदम ही मतलब अगर टांस टू जीरो अगर पकड़ ले तो कुछ उसी तरह का पकड़ लीजिए कि क्वेश्चंस टांस टू जीरो है फ्रॉम दिस काइंड ऑफ टॉपिक। तो कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी था ताकि आप कहीं भी ना फंसे, इक्वेशन दे कुछ भी दे। तो ठीक है, अभी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।